हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप सपने में देख रहे हैं खुद को किसी सुअर को मारते हुए सपने में देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार का सपना है, इसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे या आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि सपने में सुअर को देखना एक अशुभ सपना है, उसी प्रकार सपने में किसी सुअर को मारना भी अशुभ सपना है। बराबर ऐसा क्या होता है कि हम कोई जीव अगर उसको मात्र देखना अशुभ होता है तो उसको मारना शुभ हो जाता है, लेकिन सुअर के साथ अलग कंडीशन बनती है। सुअर को अगर आप सपने में देखते हैं तो ये भी अशुभ सपना होता है, अगर आप इसे मारते हैं तो ये भी एक अशुभ सपना होता है। बात करें इसके संकेत के बारे में, तो सुअर को अगर आप सपने में मारते हुए देखते हैं तो ये इस ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार के अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी प्रकार के अशुभ समाचार ये हो सकती है आपके जीवन में, उसकी प्राप्ति आपको आने वाले समय में हो सकती है। बात करें इसके सेकंड परिणाम को, धन अटक सकता है। कोई भी कहीं भी आपने कोई पैसा लगाया था या कहीं से कोई पैसा आने की संभावना थी तो वहां से धन अटक सकता है और वो पैसा कुछ दिनों के लिए ऐसा हो कि आपके पास ना आए, अटक जाए आपका धन। तीसरे पॉइंट की बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि नौकरी पेशा में संकट आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सपने में सुअर को मारते हुए देखते हैं खुद को, तो ये और भी संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको, आप जो भी नौकरी पेशा करते हैं, जिस भी किसी क्षेत्र से संबंधित करते हैं, उस क्षेत्र में आपको संकट आ सकती है। बात करें स्टूडेंट की, स्टूडेंट का नौकरी पेशा, उसका स्टडी हुआ, उसके स्टडी के क्षेत्र में हो सकता है कि उसको पढ़ाई में मन ना लगे, उसका स्टडी के क्षेत्र में उसको संकट आ जाए। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो ये पॉइंट सपना इस और भी संकेत करता है कि आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार का कोई शारीरिक समस्या या मानसिक समस्या आपको या आपके परिवार को लिप्त कर सकती है। तो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानियों का सामना आपको आने वाले समय में कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।